हेलो एवरीवन वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन आज के इस वीडियो में हम लोग अकासिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अकासिया जो कि फार्मास्यूटिकल एड्स कैटेगरी का एक क्रूड ड्रग है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिनोनीम क्या है अकासिया का जो सीनोनीम है वो है गम अकासिया एंड इंडियन गम इसके नाम से ही हमें समझ में आ गया होगा कि अकाशिया हमारा एक तरीके का गम होता है ये तो हो गया इसका सिनोनिम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इट इज़ द ड्राइड गमी एक्सोडेशन ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अकासिया अराविका वाइल्ड विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लेग्योमिनोसी अकासिया जो है वो हमारा एक ड्राइड गमी एक्सोडेशन होता है जो कि हमें अकासिया अराविका वाइल्ड का जो प्लांट होता है उसके स्टेम एंड ब्रांचेस से मिलता है जो कि लेग्योमसी फैमिली से है ये तो हो गया अकाशिया का बायोलॉजिकल सोर्स नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्सिट्यूंस प्रेजेंट रहते हैं गम अकाशिया कंसिस्ट अराबिन विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अराबिक एसिड गम अकासिया में हमारा अराबिन पाया जाता है जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किस चीज़ का कैल्शियम का मैग्नीशियम का और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अराबिक एसिड का नेक्स्ट है इट आल्सो कंटेन्स एंजाइम ऑक्सीडेस एंड पर ऑक्सीडेस इसके अलावा हमारा अकासिया में एंजाइम ऑक्सीडेस और परसिडेज भी प्रेजेंट रहता है अराबिक एसिड हाइड्रोलाइसिस गिब्स डी गलेक्टोस डी ग्लूकोरिक एंड एल अराबिनोज इसमें हमारा अराबिक एसिड पाया जाता है जिसको कि अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें से हमें डी गैलेक्टोज डी ग्लूकोरोनिक एंड एल अराबिनोज नाम का केमिकल कॉन्सटीस मिलेगा ये तो हो गया अकाशिया का केमिकल कॉन्सिट्यूट्स नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट यूजेस है अकासिया इज़ यूज एज ए डिमल्सेंट। अकासिया को हम लोग एज ए डिमल्सेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं डिमल्सेंट हमारा वैसा मेडिसिन होता है जो कि हमारा माइनर पेन या फिर माइनर इंफ्लामेशन से रिलीफ देता है इट इज़ यूज एज ए सस्पेंडिंग एजेंट अकाशिया को हम लोग एज ए सस्पेंडिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अकासिया इज़ आल्सो यूज एज एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर फिक्सड ऑयल वोलाटाइल ऑयल एंड लिक्विड पराफ़िन अकाशिया को हम लोग एज ए इमल्सिफ़ाइंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इमल्सन बनाने में अगर हम लोग फिक्स्ड ऑयल वलोटाइल ऑयल या फिर लिक्विड पराफ़िन का यूज़ करके किसी भी तरीके का इमल्सन बनाते हैं तो उसके प्रिपरेशन में हम लोग अकाशिया को एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं इट इज़ ए गुड बाइंडिंग एजेंट एंड इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ लॉजेंजेस एंड टैबलेट्स अकाशिया जो है वह हमारा एक अच्छा बाइंडिंग एजेंट है इसीलिए इसको हम लोग लॉजेंजेस और टैबलेट के प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं इट इज़ अल्सो एडमिनिस्टर्ड थ्रू आई वी इन हेमोलाइसिस अकाशिया को हम लोग हेमोलाइसिस में आई भी रूट के थ्रू अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं ये तो हो गया अकासिया का सीनोनेम बायलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्सिट्यूट्स और उसका इंपॉर्टेंट यूजेस अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें